बिल्कुल, शुरू में ये 20 दिरहम का जो मैंने लुलू से लिया था ऑफर में, ये भी मेरे लिए बहुत यूजफुल था, मगर जैसे जैसे मेरा चैनल का काम आगे चलता जा रहा है तो फिर मुझे इसकी नीड हुई, तो ये दोनों स्टैंड्स अब मैं यूज करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और रिव्यू अपने इस स्टैंड का। कुछ व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप बताएं कि आप किस तरीके से वीडियोस को शूट करती हैं, आप छोटा ट्राइपॉड स्टैंड यूज करती हैं या बड़ा यूज करती हैं। तो मैंने कहा मैं आज आपके साथ सारी कुछ चीजें शेयर करूं ताकि जो मेरी तरह यूट्यूबर्स हैं और खासकर कुकिंग वीडियोस बनाते हैं या होम व्लॉग्स बनाते हैं, डेली रूटीन व्लॉग्स बनाते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो वीडियो को आप लाजम एंड तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, खासकर मेरी अनबॉक्सिंग वीडियोस वगैरह आप जरूर देख सकें। जैसे कि आपने देखा है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ और मैं अपने व्लॉग्स में फिर ये वाला स्टैंड यूज करती हूँ, क्योंकि ये स्टैंड फिलहाल तो मैंने हाइट इसकी शॉर्ट करी हुई है, इसको एडजस्ट किया हुआ है, और वैसे ये स्टैंड तकरीबन 6 फीट अबव है, और मैं भी आपको खोल के इसको दिखाती हूँ। तो अभी इस वक्त ये बिल्कुल इसकी मेन पोजिशन पे है और ये मैंने इसकी की खोली है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट को, और ये देखें ये कितना ऊपर जा सकता है कि मेरी हाइट से भी ये ऊपर जा रहा है। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे इस वक्त फिक्स कर दिया है और मेरी हाइट से ये कितना ऊपर जा रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर ये चीज इसकी आप देख रहे हैं जो मोबाइल होल्डर है, ये बेंडेबल है, आप इसे किसी भी पोजिशन में बेंड कर सकते हैं। आप अगर टिकटॉक वीडियोज बना रहे हैं तो आप इसको रोटेट कर लीजिए और स्ट्रेट फॉर्म में ले लीजिए मोबाइल को, और अगर आप चाहें तो उसको व्लॉग स्टाइल में आप इसको इस तरीके से रखिए ताकि कैमरा हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पोजिशंस में आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये स्टैंड बहुत अच्छा है, आप नीचे से देख सकते हैं ये भी ट्राइपॉड ही है, साथ में इसके जो केबल है केबल में है यूएसबी पोर्ट। तो मैं यूज करती हूँ पावर बैंक, ये है मेरा पावर बैंक, मैं इसको चार्ज कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको इस केबल के साथ कनेक्ट कर लेती हूँ और फिर आराम से मैं इसकी लाइट को यूज कर सकती हूँ, क्योंकि ये रिंग लाइट, अब मैं इसको नीचे करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने यूएसबी पोर्ट इसका इसमें कनेक्ट कर दिया और इसको हम ऑन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके साथ कनेक्टेड है ये रिमोट, जिसके ऊपर ये प्लस माइनस साइन है लाइट को ब्राइट करने के लिए और उसको मजीद डिम करने के लिए, प्लस ये ऑन ऑफ का बटन है और ये है लाइट चेंजिंग बटन, क्योंकि इसमें 3 कलर्स हैं लाइट के, इस रिंग लाइट के, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसको ऑन कर लिया, अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे लाइट मोड्स हैं। ये व्हाइट लाइट है, ये इसकी गोल्डन लाइट है, ये डे लाइट, ये 3 इसमें लाइट्स हैं। और आप देख सकते हैं कि आपको जैसी भी वीडियो बनानी हो, टिकटॉक के लिए या यूट्यूब के लिए, फूड व्लॉगिंग करनी है तो आपको जो भी लाइट चाहिए आप वो लगा लें, या आपको व्लॉगिंग करनी है या कोई रिव्यू वीडियोस बनानी है, उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मेनली मैं जो यूज़ करती हूँ वो ये लाइट यूज़ करती हूँ, या फिर जो इसकी गोल्डन लाइट है अपनी कुकिंग वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो इसकी फंक्शनिंग तो आपने सारी देख ली। अब ये ट्राईपॉड आया था अलग से, ये मैंने अमेजोन से बाय किया था और मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ उसको, और काफ़ी रिलायबल है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, ये ईजिली अमेजोन की वेबसाइट पर अवेलेबल है इस तरह के ट्राईपॉड्स। अच्छा, और जो रिंग लाइट है ये मुझे मिली थी दुबई में अल्काबाइल करके एक शॉप है, वहाँ पर 30 दिरहम की थी जी, 30 दिरहम की थी। और बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ, इसका ये बॉक्स है और इस पर लिखा हुआ है 10 इंचेस, और ये है वो बॉक्स जिसमें ये आई थी। और इसको फिक्स करना बहुत ही आसान है, बच्चे भी फिक्स कर सकते हैं, इतना आसान है कि आपने ट्राईपॉड को खोला और उसको एडजस्ट तो आप अपने हिसाब से करेंगे, और साथ में आपने रिंग लाइट यहाँ पे फिक्स कर ली, और ये इसका मोबाइल होल्डर भी आपने सिर्फ रोटेट करना है और फिक्स करना है। तो ये इसमें आया था, डिटेल्स आपको बॉक्स में दिख जाएंगी, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने किचन में, जहाँ पे मैं अपनी शूट्स करती हूँ, रेसिपीज वगैरह बनाती हूँ। तो मैं इस तरह से अपने स्टोव के आगे स्टैंड को रखती हूँ। आज भी मेरे घर में दावत है तो उस वक्त सारी चीज़ें बनी हुई हैं, और रेसिपीज तो आपको चैनल पे मेरे मिल ही जाएगी। और ये देखें, आप मोबाइल होल्डर में से ईजिली फिक्स कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने कैमरे को एडजस्ट कर लिया, हमेशा हम कैमरे वाली साइड, जो पिक्चर वाली साइड होती है वो अपनी तरफ रखते हैं ताकि हम देख सकें कुकिंग करते वक्त, और करीब से हम इसमें बोल भी सकें अगर आप माइक यूज नहीं कर रहे हैं, ताकि आपके कुकिंग वीडियोस में आवाज भी क्लियर आए और आप देख भी सकें कि आपके कैसा पिक्चर दिख रही है सामने। तो इस तरीके से आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसे यूज करना निहायत ही आसान है,
एडजस्टेबल हाइट है और इसके रिंग लाइट के फीचर्स भी मैंने आपको दिखा दिए, तो ये काफ़ी यूजफुल रहता है यूट्यूबर्स के लिए। मेरे ख्याल से ये टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के लिए मस्ट बाय चीज़ है। तो मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैंने ये बड़े वाले स्टैंड, बड़े वाले ट्राइपॉड के साथ आपको एंगल सेट करके दिखाया है, मैं आपको अपनी सबसे पहली परचेज भी शो करूँ। ये है वो मेरा छोटा सा ट्राइपॉड स्टैंड जो कि मुझे बहुत सस्ता मिल गया था और ये मैंने लुलू से लिया था जब मैंने अपनी वीडियोस बनानी शुरू करी थी। और इसमें भी अच्छी बात यह है कि ये भी, ये देखें, इसमें क्लिप्स हैं और ये भी एडजस्टेबल है, तो ये इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती थी। तो अब आप इन दोनों स्टैंड्स का हाइट डिफरेंस देख लें, और मैंने आपको ये खोल के दिखा दिया उस वक्त दिखने में कितना छोटा सा ट्राइपॉड था, और अभी इस वक्त आप इसे देख सकते हैं कि मैंने इसको फुल एक्सटेंड किया है तो ये इतनी हाइट का आ जाता है, मेरी इतनी हाइट का। और ये तो मैंने आपको फुल करके बताया था, तो तकरीबन 6 feet अबव, नियर टू 7 feet, काफ़ी लंबा ये ट्राइपॉड स्टैंड है रिंग लाइट के साथ। तो इससे भी हम काफ़ी जगह पे मैं शूट्स कर लेती हूँ जहाँ मुझे मीडियम हाइट चाहिए होती है, मगर मेनली जब ऊपर से कुकिंग करनी होती है तो मैं यहाँ से करती हूँ। जब कुछ मैं बेसन के पास वगैरह कुछ काम कर रही होती हूँ तो मैं इस छोटे ट्राइपॉड स्टैंड को यूज़ करती हूँ, मगर मैं इसको इतना एक्सटेंड करके यूज़ नहीं करती इसकी साथ। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए, आप में से कईयों के लिए बहुत यूजफुल रही होगी। तो आपके मैंने दोनों डिफरेंसेस दिखा दिए हैं, ये मेनली जब हम कोई छोटी जगह पे लगा के कैमरा फिक्स करके मैं बर्तन धोते हुए दिखा रही होती हूँ अपनी डेली रूटीन व्लॉग्स में तो ये ज्यादा यूज होता है, या कभी मैं कटिंग चॉपिंग कर रही हूँ यहाँ पे रख कर, तो फिर भी ये मैं इसमें कैमरा लगा के अपना और फिर इसको हाइट एडजस्ट कर लेती हूँ। मगर बड़ी कुकिंग वगैरह के लिए, स्टोव के आगे रखने के लिए मैं ये बड़ा स्टैंड ही यूज करती हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी किचन की और वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर पसंद आए तो।